गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट टेन वर्कशीट सिक्स करेंगे पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं यूनिट सिक्स टेन प्रैक्टिस बुक की वर्कशीट सिक्स वर्कशीट सिक्स में देखें स्टेटमेंट निकीज़ पार्टी इज़ अबाउट टू बिगिन शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट शी इज़ टॉकिंग टू द मैनेजर ऑफ द पार्टी अबाउट द अरेंजमेंट्स Read the conversation and complete it by filling in the blanks with present perfect passive form of the verbs given in the brackets. The first one has been done for you. इसमें निकी की पार्टी जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है और वो बहुत एक्साइटेड है और वो मैनेजर से पार्टी का जो मैनेजर है जो मैनेज करने वाला है उससे अरेंजमेंट्स को लेकर बात कर रही है और उसकी बातचीत को आप रीड करें कन्वर्सेशन को एंड कंप्लीट इट बाई फीलिंग द ब्लैंक्स विद प्रजेंट परफेक्ट पेसिव फॉम इट मीन्स प्रजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है उसको पेसिव फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पता होना चाहिए क्या लगता है सिंपल एक्टिव एक्टिव वॉइस में प्रजेंट hmm. परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है सिंपल जो भी हम आज तक यूज़ करते आए हैं मोस्टली हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हम हैज़ और हैव में से एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यहाँ पर हैज़ हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे चेंज करेंगे इस सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट uh, परफेक्ट के पेस्सी वॉइस में तो हम हैज़ और हैव के साथ बीन लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो और ये भी हमारे पास एक आ, रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेस्सी वॉइस में जब भी हम कोई सेंटेंस चेंज करते हैं तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हैज़ हैव में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पेसीफॉम प्रेजेंट परफेक्ट पेसीफॉम में निकी इज़ एवरीथिंग रेडी सर अब इसमें निकी क्या कह रही है कि क्या सब कुछ रेडी है अब हमने इसमें हैज़ हैव बीन और वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है प्रेजेंट परफेक्ट पेसीफॉम है ये मैनेजर यस मिस द लाइट्स हैव बीन पुट अप कि जो लाइट्स हैं वो पुटअप लगा दी गई हैं दारपेट्स डैश स्प्रेड अब कारपेट्स प्लूरल है प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे और साथ में वर्क बीन और वर्की थर्ड फॉर्म स्प्रेड स्प्रेड सेम फॉर्म है कारपेट्स हैव बीन स्प्रेड द पार्क डैश डेकोरेट पार्क सिंगुलर है तो पार्क जो है सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और साथ में पेसी फॉर्म के लिए बीन और डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म द पार्क हैज़ बीन डेकोरेटेड द फर्नीचर हैज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है सेट अप हैज़ के साथ हमने बीन लगाना है पेस्सी फॉर्म बनाने के लिए सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तीनों फॉर्म सेम होती हैं हैज़ बीन सेट अप ऑल द हैव बीन प्रिपेयर्ड डिशेज प्लूरल है तो हैव बीन प्रिपेयर्ड आएगा अब आप ये देखेंगे हमने हमने पैसिव वॉइस में क्या किया कि जो एक्शन होता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है डूअर जो है उसका उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती अब ये मैनेजर क्या कह रहा है लाइट्स लगा दी गई हैं कारपेट्स बिछा दिए गए हैं एक्शंस जो हो चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है लेकिन ये किसने किए उन पर्सन्स के नाम यहाँ पर नहीं है डूअर जो है वो नहीं है यहाँ पर तो इन्हीं को वर्स कहेंगे हम जिसमें एक्शन मोर इम्पोर्टेंट है देन द डूअर निकी वट अबाउट माई बर्थडे केक कि मेरे बर्थडे केक के बारे में क्या कहना है आपका मैनेजर इट हैज़ बीन कैप्ड ऑन द टेबल कैप्ट यह टेबल पर रख दिया गया है इज़ इट क्लियर निकी आई एम सो थ्रील्ड आई होप एवरी वन द पार्टी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि हर कोई पार्टी इन्जॉय करेगा नेक्स्ट वर्कशीट सेवन में देखो वर्कशीट सेवन में क्या है निकी की जो बर्थडे पार्टी है वो शुरू हो चुकी है और ये पिक्चर्स कुछ नीचे दी गई हैं राइट इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पेस्सी वट इज़ हैपनिंग इन द पार्टी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पेसी फॉर्म में आपने इन सेंटेंसेस को लिखना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है हम उसमें करते हैं इज एम आर का यूज़ कॉन्टीन्यूअस मीन्स आई एन जी ज़रूर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ इज एम आर में से एक आई एन जी सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और जब हम इसकी पेस्ि फॉर्म लगाएंगे तो मैंने आई एन जी जो लगा होता है वर्ब के साथ उसको हम बीइंग में चेंज करते हैं तो हमने फॉर्म जो पेसिव फॉर्म बनानी है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की उसमें इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो हमारा है देन बीइंग और उसके साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म लगानी है पेस्सीव फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पेंसिव फॉर्म का जब हम सेंटेंस बनाएंगे यह आपको ऊपर वर्ब्स दी गई हैं इन्हें यूज़ करते हुए हमें सेंटेंसेज uh, लिखने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव फॉर्म के द केक इज़ बींग कट द लाइट्स आर बींग लिट ये सभी आपको वर्ब्स दी गई हैं और इन्हीं को आपने यूज़ करना है इस पिक्चर को देख कर द लाइट्स आर बींग कट सॉरी लिट द ड्रिंक इज़ बींग पोर्ड एंड ड्रंक कि जो ड्रिंक है वो कप में या कप्स uh, में डाली जा रही है और पी जा रही है जॉक्स आर being क्रैक जॉक्स क्रैक किए जा रहे हैं डिलीशियस dishes आर being cooked। इस तरह से आपको ये सभी सेंटेंसेस बनाने हैं और ये सभी किस में हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पैसिव फॉर्म में प्ले इज़ बीइंग परफॉर्म्ड प्ले जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है जो एक्शन हो रहा है प्ले करने का नाटक करने का उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है लेकिन कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया अब पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं केक फूड इज़ बीइंग मेड जैसे हमने कहा था कि केक जो सब्जेक्ट है इज़ बींग हमारी मेड वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है केक और फूड वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया जा रहा है एक्शन मीन्स वो उसके लिए कुछ किया जा रहा है फूड के लिए फूड बनाया जा रहा है ठीक है फूड बनाया जा रहा है फूड नहीं कुछ काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट लेकर आ जो हम आते हैं पीछे से आगे वो नया सब्जेक्ट हो है इसमें फॉर्म में वर्कशीट एट में देखो निकी वॉन्ट्स टू तो थैंक ऑल द पीपल हु हेल्प्ड हर इन हर पार्टी शी रिक्वेस्ट हर ब्रदर टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ़ ऑल द पीपल हु हेल्प डर कि निकी जो है सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती है जो पार्टी में जिन्होंने उसकी हेल्प की और वो अपने ब्रदर को एक लिस्ट बनाने के लिए कहती है जो उन सभी लोगों की जो इसने उनकी हेल्प की री री राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन सिंपल पास्ट पैसिव अब देखो सिंपल पास्ट पैसिव सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं एक्टिव वर्स में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पेस्सी फॉर्म में हम उसके साथ वॉज़ या वर यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे जैसे मेक निकीज़ केक सिमी सिमी ने जो है निकी का केक बनाया था तो ये निकी सब्जेक्ट है डूअर है परफॉर्मर है एक्शन की लेकिन हमें इसको पैसी फॉर्म में लिखना है इसको एंड में लेकर आना है इसको इम्पोर्टेंस कम देनी है हमें निकीज़ केक जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बनेगा उसको इम्पोर्टेंस देनी है उसे पहले लिखना है और ये सारी मेक प्रोवाइड प्रोवाइड डू ये हमारी वर्ब्स हैं इनको हमने सिंपल पास्ट पैसिव में चेंज करना है मींस सेकंड फॉर्म सॉरी वाज या वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इनकी जैसे निकीज केक जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमारे आप बनेंगे सब्जेक्ट जब हम इनको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे ऑब्जेक्ट ये सिंपल एक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, uh, होंगे और अब पेस्सी फॉर्म में जब हम इन्हें लिखेंगे तो ये आगे आएंगे सब्जेक्ट बन जाएंगे और फिर हम वॉज और वर्क का यूज़ करेंगे और वर्क की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय जिनके द्वारा ये काम किया गया है इज़ इट क्लियर जैसे निकीज केक वॉज मेड बाय सिमी अब सेकंड है फायर वर्कस फायर वर्कस प्लूरल हैं तो वर लगाएँगे फायर वर्कस वर प्रोवाइड के साथ प्रोवाइडिड बन जाएगा वर्क की थर्ड फॉम बाय समीर इस तरह से डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स वर प्रोवाइडेड बाय एकता डेकोरेशन वॉज डन बाय सोनू ये सारे फ्लावर्स वर अरेंज बाय नेहाय इन द सेम वे वी विल कंप्लीट दिस वर्कशीट द म्यूज़िक सिस्टम वॉज अरेज्ड बाय रीचा गिफ्ट्स वर रैप्ड बाय ईशा इस तरह से ये सभी आप सेंटेंसेस सेम पैटर्न फॉलो करते हुए बनाएंगे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमारे पेसी फॉर्म में जब सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट बनेंगे और उसके बाद वर्ज वर्क का यूज़ देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय यूज़ करके ड्यूअर जो परफॉर्मर हैं एक्शन के उनको बाद में लिखेंगे नेक्स्ट हमारी है वर्कशीट नाइन निकीज़ फादर मिस्टर हैज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन हीज ही हैज नोटेड द डाउन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस अब ये देखें पुल आउट अ प्लांट वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में और उन्होंने ये सभी पॉइंट्स नोट किए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस पुल आउट अ प्लांट विद वाइट फ्लावर फ्रॉम द सॉयल वॉश इट्स रूट्स वेल एंड कट दैम डिप द लोअर एंड ऑफ द कट स्टेम इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ़ रेड इंक ये जो आपकी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये वर्ब हैं और इनको हमने नीचे फिल करना है और नाउ निक्की वांट्स टू नो हर फादर हाओ हर फादर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट और निकी जो है अब जानना चाह रही है कि उसके फादर ने वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया मिस्टर आर्या टेल्स हर द प्रोसीज़र कंप्लीट द प्रोसीज़र बाई फिलिंग इंफॉर्मेशन फ्राम द अबव इंस्टर द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू अ प्लांट विथ वाइट फ्लार ये हमारा जो सब्जेक्ट है पेसीवाइस में वो है एक प्लांट जो वाइट फ्लावर है उसके साथ इज़ पुल्ड आउट फ्रॉम द सोइल इज़ पुल्ड आउट इज़ पुल्ड हमारा कौन सा टेंस है ये पेसीफोम में सिम्पल प्रेजेंट इज़ एम आर का यूज़ और वर्क की थर्ड फॉर्म हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हमें सेम पैटर्न वी हैव टू फॉलो इज एम आर का यूज़ करना है और वर्क की थर्ड फॉर्म uh, कि उसे uh, ज़मीन में से तोड़ा गया निकाला गया इट्स रूट्स डैश वेल आर वॉश्ड रूट्स ज़्यादा हैं फ्लूरल व आर वॉश एंड कट इसकी रूट्स को काटा गया और वॉश uh, किया गया और काटा गया द लोअर एंड ऑफ द कट स्टम कि जो उसका स्टेम काटा हुआ था उसके लोअर निचले वाले हिस्से को इज़ डिप्ड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर वॉटर था बॉटल में उसमें डिप किया गया अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इज़ एडिड कुछ बूंदें उसकी रेड इंक उस बॉटल के वॉटर में डाली गई ऐड की गई एंड द प्लांट इज़ लेफ्ट और प्लांट को उस बॉटल में रखा गया जिसमें वाटर था और रेड इंक डाली गई थी अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स कुछ घंटों के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया उसे एक जगह द प्लांट इज़ ऑब्जर्व केयरफुली प्लांट को ध्यान से देखा द कलर ऑफ़ द फ्लार इज़ चेंज्ड इन टू रेड जो फ्लार का कलर था वो रेड हो गया बॉटल में पानी लिया उसमें स्टेम डाली जिस पर वाइट फ्लार था और उस बॉटल के वॉटर में रेड इंक की कुछ बूंदे डाली गई जिससे वो वॉटर लाल हो गया और आपको कुछ घंटों के लिए उस स्टेम को जिस पर वाइट फ्लावर था लगा हुआ उसको अनडिस्टर्ब बिना हिलाए उस बॉटल के पानी में डिप करके रखा तो क्या हुआ कि जो वाइट फ्लावर था वो भी रेड हो गया तो ये एक्सपेरिमेंट था और इसमें किसने किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या हुआ एक्शन क्या हुआ उसको इम्पोर्टेंस दी गई है तो ये हमारे पैसिव फॉर्म में है सभी सेंटेंसेस और ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है पैसिव की पैसिव वॉइस इज़ यूज टू राइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स अनाउंसमेंट्स आर्टिकल्स बिकॉज इन दीज पीसीज़ ऑफ राइटिंग द एम्फेसिज ऑन द एक्शन नोट ऑन द ड्यूअर कि वॉयस का यूज़ कहाँ होता है जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स होती हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं आप देखते हो अनाउंसमेंट्स होती हैं आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स होते हैं इन सभी में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम करने वाले की बजाय जो एक्शन होता है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट्स वेयर पैसिव वॉइस इज़ यूज सोसाइटी टाइम्स सेकेंड सेप्टेम्बर मंडे नीकीज़ बर्थडे सेलिब्रेटेड मैजिकल पार्क सेप्टेंबर वन निकीज़ बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो इन द मैजिकल पार्क हर फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाई द मैनेजर ऑफ द कंपनी द केक वॉज कट एट सेवन पी एम गिफ्ट वर एक्सचेंज द पार्टी एंड एट इलेवन पी एम ये सभी हमारी वॉज सेलिब्रेट वॉज इन्वाइट पेसिव फॉर्म में है वर्ब्स कि निकी का बर्थडे जो है बड़े म और शो के साथ मैजिकल पार्क में सेलिब्रेट किया गया किसने किया उसके फादर्स पेरेंट्स ने अरेंज किया कैसे किया उसको इम्पोर्टेंस ना देकर निकी के बर्थडे एक्शन को जो सेलिब्रेट हुआ था उसको इम्पोर्टेंस दी गई है आगे बैंक रॉब्ड इन अ डे लाइट इसे भी आप रीड करेंगे वर्कशीट टेन में देखेंगे गिवन बिलो आर सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर ईच एक्सट्रैक्ट इज़ फॉलोड बाई टू ऑप्शन टू कम्प्लीट इट कि ये एक न्यूज़ पेपर में से लिए गए कुछ पार्ट्स हैं न्यूज़ हेडलाइंस के तो आप इन्हें देखेंगे और टू ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ फिट है पैसिव फॉर्म में है उसे टिक करना है जैसे द स्कूल वाज फाउंडेड इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी बट द मेन बिल्डिंग वॉज एडिड ओनली अ डिकेड अगो दे एडिड द मेन बिल्डिंग ओनली अ डिकेड तो यहाँ पर जो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है उसे टिक करना है वॉज एडिड दे एडिड नहीं दे में किसने ऐड किया ये बता रहा है लेकिन क्या ऐड किया गया मेन बिल्डिंग ऐड की गई एक डिकेट पहले तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है द प्रेजिडेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्री रीच द एयरपोर्ट टूडे मॉर्निंग ही वॉज़ ड्रेस्ड इन अ वाइट सूट एंड नाउ हिज सूट हैड बीन स्पेशली डिज़ाइन बाई अ टॉप डिज़ाइनर उसके सूट के डिज़ाइन को इम्पॉर्टेंस दी गई है तो यहाँ पर ये हैड बीन वाला जो सेंटेंस है ये आपका सही है पेसीफॉम में है इसी तरह से थर्ड है द टेलीफेम हैज़ नाउ बिकम एन इंडिसपेंसेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ इट वॉज़ फर्स्ट इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्रहम बेल Uh, fourth residents of a village in Kulu were shocked at the news that the bread factory in their village was going to be closed. The factory where six thousand loaves of bread were made. First option is correct. The prime minister was admitted to the Beach Candy Hospital this morning. On admission, he was examined, and it was decided.

जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है इसमें सम वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू फॉर हेल्प द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू पिक्चर्स देखो ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वर्ब्स दी गई हैं जैसे फर्स्ट द ब्रेड हैज़ बीन कट अब ये देखो ब्रेड यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में बिना कटा हुआ है सेकंड पिक्चर में द ब्रेड हैज़ बीन कट द एप्पल हैज़ बीन कट इस तरह से ये पिक्चर्स दी गई हैं <coughs> क्या काम एक्शन हो चुका है हैज बीन uh, कर दिया है इसमें लेकिन किसने किया नो बडी नोज हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शंस बट द एक्शन इज डन तो यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दी गई है सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो द सुगर बॉक्स हैज़ बीन द सुगर बॉक्स हैज़ बीन क्लोज या ओपनड जैसे भी है द सुगर बॉक्स हैज़ बीन ओपन द कप एंड बीन रिमूव्ड एप्पल्स हैव बिन ईटन एग्स हैव बिन ब्रोकन जूस हैज़ बीन ड्रंक हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए आप सिंगलर और प्लूरल का ध्यान रखेंगे जैसे एग्स के साथ हैव एप्पल्स के साथ हैव जूस हैज़ नेक्स्ट है बी गिवन बिलो आर टू पिक्चर्स ऑफ निकीज़ रूम निकी के रूम की टू पिक्चर्स हैं पिक्चर ए शोज दैट कंडीशन ऑफ द रूम बिफोर इट वॉज़ क्लीन बाय निकी एंड पिक्चर ए में है उस उस टाइम की पिक्चर है ये जब निकी के क्लीन करने से पहले की रूम को पिक्चर भी जब उस कंडीशन की है जब उसने उसको साफ़ कर दिया था ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू इन द स्पेस प्रोवाइडेड वन डिफरेंस हैज़ बीन पॉइंटेड टू हैज़ बिन क्या क्या कर दिया गया है जैसे द विंडो हैज बीन शट ऑफ शट

नेक्स्ट वेरियस जॉब्स आर डन बाई डिफरेंट पीपल इन द हॉस्पिटल यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब दीज जॉब्स द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू पेशेंट्स ट्रीट डॉक्टर्स कि डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया गया है और सेम पैटर्न फॉलो करना है किस टेंस में दिए गए हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में द पेशेंट्स आर ट्रीटिड बाई द डॉक्टर्स डॉक्टर्स ने ट्रीट किया डॉक्टर्स डूअर हैं हमने पेस्सी फॉर्म में लिखने हैं तो जो एक्शन uh, है uh, उसको इम्पोर्टेंस देनी है डूअर की बजाय ऑपरेशंस परफॉर्म्ड सर्जन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑपरेशंस प्लुरल है आर परफॉर्म्ड बाई सर्जनस बेड शीट्स आर चेंज बाय सिस्टर्स सेम सेंटेंस यू हैव पैटर्न यू हैव टू फॉलो तो ये देखो मेडिसंस आर गिवन बाय नर्सिस ट्रेस स्कैंस आर एम्पटिड बाय क्लीनर्स गार्बेज इज टेकन अवे बाय स्क्रेंजर्स फ्लोर इज क्लीन बाय स्वीपर्स सेम ऐसे ही इज एम आर का ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगेगा डू इट योर सेल्फ में देखो गिवन बिलो इज़ द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स रीड द इंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्ट द सेम टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन द मिडल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का प्रोसीजर है कट आउट पिक्चर्स ऑफ फ्लार ब्लॉसम्स फ्राम ओल्ड कैलेंडर्स ब्लू द ब्लॉसम्स ऑन टू द फ्रंट ऑफ द कार्ड यूज मार्कर पेन्स टू ड्रॉ स्टेम्प लीवस अ बॉर्डर एंड अदर डॉ एंड डेकोरेशंस राइट अ मैसेज इन साइड रिपोर्ट है ये कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या, क्या किया गया अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डिड इन द मिडल पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स इन जो ये अंडरलाइन वर्ब्स हैं इनको सिम्पल प्रेजेंट पेसी फॉम में यूज़ करना है Are cut out from the old calendars. The blossoms are glued onto the front of the card. Marker pens are used to draw stems, leaves, and a border and other decoration. A message is written inside. Is a marker used plus third form of the verb? niche uh, point two given below are instructions to make a milk carton game. रीड द इंस्ट्रक्शन एंड कम्प्लीट द प्रोसीज़र यही प्रोसीज़र है अब इसमें कौन कर रहा है किसने किया इसको इम्पोर्टेंस ना देकर एक्शन को इम्पोर्टेंस है इन सब में और सिम्पल प्रेजेंट पेसिव फॉर्म में है ये सभी सेंटेंसिज तो इजेम आर का यूज़ और वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं इनकी थर्ड फॉर्म बनानी है नाइन कार्डबोर्ड मिल्क कार्टोन्स आर टिकन टेक का बन गया टेकन नाइन कार्डबोर्ड मिल कार्टोन हैं तो आर प्लूरल लगेगा दू है कार्टन कालिप्स आर यूज टू अटैच द साइड टूगेदर अपॉइंट वैल्यू इज रिटर्न ऑन द इन साइड एज ऑफ ईच कार्टोन विद अ मार्कर पेन द कार्टनस आर डेकोरेटिड विद रैपिंग पेपर द कार्ट आर सेट ऑन द फ्लोर फॉर प्लेइंग अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल इज़ टोस्ड इन टू द कार्ट पॉइंट्स आर एडिड तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट पेसिव फॉम यूज़ हुई है इज एम आर का यूज़ और वर्ग की थर्ड फॉर्म तो यहाँ तक ये आपकी यूनिट टेन कंप्लीट हो जाती है वो इट्स क्लियर टू यू जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा तभी आपको ये सेंटेंसेस आएंगे हाउ टू फ्रेम पैसिव वॉइस ऑफ द एक्टिव वॉइस तो आज आप इस वर्क को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे थैंक्स हैव अ नाइस डे